यारो, लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे 2D एरे। 2D एरे क्या होता है, जिसमें हमने ये समझा था कि 2D एरे और इनर लूप आउटर लूप एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, नेस्टेड लूप, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। अभी देखो, एक टॉपिक है जो मैं मिस कर रहा था, मुझे ध्यान में ही नहीं आया कि ये चीज़ भी है। फिर मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे को ये चीज़ याद दिलाई, तो अब इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे आज। स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, नाम सुना होगा शायद, जिसने नहीं सुना उसको मैं सुनाता हूँ। देखो, स्ट्रिंग होती है, ये तो सिर्फ स्पेलिंग है, खैर, कैरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है। लाइक अगर मैंने लिखा ए तो ये एक कैरेक्टर है, अगर मैंने लिखा एन तो ये दूसरा कैरेक्टर है, अगर मैंने लिखा के तो ये तीसरा कैरेक्टर है। इसी तरीके से ये सब अलग अलग कैरेक्टर हैं, पर अगर इसको मैंने लिख दिया एक साथ तो ये ना एक स्ट्रिंग हो जाती है। ठीक है, कैरेक्टर को लिखने का तरीका होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे पढ़ा था ना हम लोगों ने। और जो स्ट्रिंग को लिखने का तरीका होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। ये फ़र्क है स्ट्रिंग में और कैरेक्टर में। अब देखो, स्ट्रिंग में ना कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं हम लोगों को। स्ट्रिंग पहली बार डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर आ रही है ना एक तरीके से। तो कैरेक्टर मान लो नेम टाइप का दे दिया मैंने, या तो इस तरीके से दे दूँ मैं, इसमें ये साइज़ इसका ऑटोमेटिक ले लेगा जो भी मैं यहाँ पे इसका नाम वगैरह दूंगा। ठीक, दूसरी चीज़, जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग की जो एंडिंग होती है, मान लो ये जो मैंने लिखा है अंकुश कुमार, इसकी जो एंडिंग है, इसके एंड में एक नल कैरेक्टर होता है, ये वाला, इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं। एक नल कैरेक्टर होता है, तो मान लो अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। वाइल कैरेक्टर, एक इंटीजर टाइप का कुछ ले लो, वेरिएबल एक्स ले लो, और एक्स को इक्वल कर दो फिलहाल 0 के, और वाइल नेम एक्स इज नॉट इक्वल टू नल, ये लिख दिया। अच्छा, ठीक है, अब एक और ले लो वेरिएबल, मर्जी है, लेना चाहो तो ले लो, वरना उसी में काम कर सकते हो। जब तक इसको पहले एक्स प्लस प्लस, जब तक इसको नल ना मिले तब तक ये क्या करता रहे, काउंट को इनक्रीज करता रहे और काउंट हो जाए 0 के इक्वल, और स्टार्टिंग में ये, देन लूप ख़त्म होने के बाद प्रिंट एफ टक टक, और यहाँ पे काउंट ले लो, ये हो गया। अब इससे इसकी लेंथ निकल जाएगी। तो इसी तरीके से ना देखो, स्ट्रिंग के अंदर ना काफ़ी सारे फंक्शंस मिलते हैं हम लोगों को। कौन कौन से, ये सारा हटा दूँ पहले। जैसे एक होता है strcpy, ये एक फंक्शन है, और है strcat, ये एक फंक्शन है, strlen, ये एक फंक्शन है, strlwr, ये एक फंक्शन है, strupr, ये एक फंक्शन है। शायद नाम से समझ रहे होगे किस चीज़ के लिए है ये। strrev, ये एक फंक्शन है। कितने, 7 हो गए, 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, एक कौन सा रह गया, strcpy, strcat, strlen, लेंथ हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया, रिवर्स हो गया, एक रह गया, एक कौन सा रह गया, एक है strcmp। ठीक है, अब देखो नाम से ही समझते हैं क्या करता है ये। क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। ठीक है, आप स्ट्रिंग को सिंपली इस तरीके से नहीं कर सकते इक्वल कि नेम इक्वल टू लास्ट नेम, नहीं कर सकते ऐसे, एरर है ये, कंपाइल करोगे तो एरर दिखेगी। ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में जोड़ता है, ये करता है। कॉन्कैटनेशन, कॉन्कैटनेशन मतलब होता है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में जोड़ना। एक्सेल में शायद देखा भी होगा, एक कॉन्कैटिनेट करके एक फार्मूला होता है,
लेंथ क्या करता है, ये किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है। अगर ये लेंथ निकाल के देगा तो रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न्स एन इंट वैल्यू लिख दूँ, समझदार हो, इंट वी। एल डब्ल्यू आर क्या करता है, किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज करता है। यू पी आर क्या करता है, लिख के टाइम पे वेस्ट करना, यू पी आर किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग को यहीं कर देते हैं, रिवर्स कर देता है। जैसे मान लो मैंने लिखा है, अरे मैंने लिखा है ए एन के यू एस एच, तो अगर मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा तो ये कर देगा एच एस एच एस यू के एन ए, ये अंकुश को हसुकना बना देगा। एस टी आर सी एम पी क्या करता है, सी एम पी ये किसी भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, कंपेयर करता है, और कंपेयर करने पे तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो देखो, पहले तो ये समझो, दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो इक्वल होगी, दोनों बराबर होगी, सेम होगी, या तो नहीं होंगी। अगर वो इक्वल होती हैं तो ये रिटर्न करेगा ज़ीरो, और इक्वल नहीं होती हैं तो या तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू किस केस में देगा, अगर जो पहला कैरेक्टर है, अगर पहले कैरेक्टर की आस्की वैल्यू दूसरी स्ट्रिंग से, गलत लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग से कम है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, 8 मिनट पे ख़त्म करनी होती है ना हमें। पॉजिटिव होगा, इसी का उल्टा कर दो, अगर दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यू इससे यहाँ कर दो ज़्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू देगा, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे इसको पॉजिटिव भी करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। ये फंक्शन यूज़ करके देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, चाहो तो देख सकते हो ऑनलाइन, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस चीज़ के। ये 7 फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और भी मिलेंगे पर ये 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ आएंगे, मतलब काफ़ी काम आएंगे ये आगे। चलो फ़िलहाल इसको यहीं ख़त्म करते हैं।